हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी रेसिपी लेके आई जो बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सब्जियां खाना पसंद नहीं करते। तो ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इस रेसिपी के लिए मैंने एक अनियन लिया है बड़े साइज़ का, 1 इंच अदरक को दोनों को चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने एक गाजर ली है जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब मैं एक बाउल में 2 बड़े चम्मच मूंग दाल का आटा डाल लूंगी, या फिर आप चाहें तो बेसन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मंगोड़े तो मूंग दाल के आटे में ही अच्छे लगते। अब मैंने 2 चम्मच राइस फ्लावर डाला है। आप चाहें तो सिर्फ एक चीज या दोनों या सिर्फ बेसन रख सकते हैं। अब हम इसमें जितनी भी सब्जियां हमने चॉप करके और ग्रेट करके रखी हुई थी सबको डाल लेंगे। देखिए, मैंने गाजर को भी ग्रेट कर लिया है अच्छे से, और आप हरी मिर्च स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने अपने स्वाद अनुसार यहाँ पर 3 हरी मिर्ची ली थी। मैंने यहाँ 1 कटोरी पालक लिया है, इसको 3 से 4 बार अच्छे से पानी में धो लिया है, और इसके बाद पालक को भी इस आटे में डाल लो। तो देखिए, हमने काफी सारी सब्जियां डाली हैं, और अब लास्ट बारी है मेथी की। इसको भी 1 कटोरी लेकर अच्छे से चॉप कर लिया है और नमक के पानी में डाल दिया था जिससे कि इसका कड़वापन निकल जाएगा। अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, और 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ जरूर डालेगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैंने 1 चम्मच गर्म मसाला डाला है, और गर्म मसाला मैंने घर का पिसा हुआ ही डाला है। इसकी रेसिपी मैंने आपको अपने चैनल पर बताई हुई है, मैं लिंक में डाल दूंगी। 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच ही लाल मिर्च डाली है जिसको आप स्वाद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते। नमक मैंने 1.5 चम्मच डाला है, आप इसको भी स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते। अब मैंने 1 चम्मच धनिया डाला है, और उसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच अजवाइन डाली है। इसको आप हाथ से मसल के डालिएगा तो इसकी खुशबू इसमें अच्छे से फैल जाएगी। अब हम इसको बिना पानी डाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर सकते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए किस तरह से होनी चाहिए, ना तो बहुत टाइट और ना ही बहुत लूज। तो इस तरह इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि मूंग दाल अच्छे से भीग जाएगी। तब तक हम तेल गरम करते हैं, और 1 प्लेट में टिश्यू पेपर सेट कर लेते हैं जो कि मंगोड़ों से एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करेगा। देखिए, हमारी मूंग दाल अच्छे से भीग कर फूल गई है और सेट हो गई है, और हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम छोटे छोटे मंगोड़े यहाँ पर तलेंगे। हमें बहुत बड़ा साइज के मंगोड़े यहाँ पर नहीं तलने हैं, तो इस तरह आप छोटे छोटे मंगोड़े इसमें डाल दें, और गैस को मीडियम आंच पर ही रखें। इनको बहुत ज्यादा तेज ना रखें, वरना मंगोड़े बाहर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो देखिए, इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, और उसके बाद हम इनको 1 प्लेट में निकाल लें, और इस तरह हरी चटनी के साथ मंगोड़े बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हरा धनिया, पुदीना, टमाटर और प्याज की हरी चटनी बनाई है। बहुत सारे वेजिटेबल से लोडेड है ये रेसिपी, तो आप इसको जरूर बनाइएगा और अपने बच्चों को जरूर खिलाइएगा। देखिए अंदर से भी कितनी परफेक्ट बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।